ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगोरुभ्यो नमः ॐ श्रीविषुभ्यो नमः ॐ सहनापवतो सहनौः भोनक्तो सह वीर्यम् कारवा बाहई तेजस्वेना वाधीतमस्तो ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रतिद स्वागत मित्रों सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या चौदह को आज पढ़ेंगे तेरह कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं और आज हम इसकी चौदहवीं कक्षा को पढ़ेंगे ठीक है प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग एक इस प्रकार का एक कॉलम है उस पर ही क्लिक करके आप पीछे की सभी पढ़ाई गई कक्षाओं को अपने समय की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन निशुल्क ठीक और विद पीडीएफ के साथ आपको पढ़नी है तो आप देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं चलिएगा तो गत कक्षा में मित्रों हमने कुछ ये आपको एक संधि पढ़ा दी थी यण संधि क्या पढ़ा दी थी यण संधि यण संधि के सभी सूत्र आपको अच्छी प्रकार से समझ लेने हैं ये ध्यान देंगे चाहे आपको वीडियो को दो बार तीन बार चार बार सुनना पड़े ठीक है कौन कौन से सूत्र आपको अच्छी प्रकार से बुद्धि में स्थापित कर लेने हैं एक तो तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्या ये सूत्र बार बार लगेगा ध्यान देंगे या लिखेंगे नहीं आचार्य अच्छा राज महाराज जी परंतु ये सूत्र सु, बहुत बार बार कार्य आएगा ठीक इसी प्रकार से स्थान तमह ये सूत्र भी बार बार आपको कार्य करने में सहायता करेगा और ये सूत्र आप कर लीजिएगा ठीक है ये भी एक ये सूत्र आपको विशेष रूप से अच्छी प्रकार से मस्तिष्क में बैठा स्थापित कर लेना अलुवंत से बाकी सभी सूत्र भी सामान्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं ठीक है ठीके? पर ये विशेष सूत्र बार बार लगेंगे संधियों में ठीक है चलिएगा तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया था और मध्वारी धात्र लाकृति अब ये तो आपकी थी यण संधि ठीक है अब आज आगे पढ़ेंगे दूसरी संधि दूसरी संधि है हमारी इसमें अयादी इस। संधि बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अयादी संधि यहां लिखा नहीं होगा पर ये अयादि संधि ठीक है अयाधि संधि है अयाधि संधि क्यों बोलते हैं जब सूत्र आप पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है चलिएगा सूत्र है आपका बाईस नंबर एक सूत्र तो हमने पढ़ लिए थे लघु सिद्धांत कौमदी का सूत्र संख्या है बाईस ट्वेंटी टू ए चो यवा ठीक है ये छठवें अध्याय के प्रथम पाद का अठहत्तरवा सूत्र है ठीक है के क्रम में देखेंगे तो छठ में अध्याय के प्रथम पद का अठहत्तर सूत्र है लघु सिद्धांत कौमदी क्रम से देखेंगे तो ये है यवा मूत्र इसका आचार्य वरदराज महाराज जी अर्थ करते हैं ए चह क्रमादया अव आया आव एचि ठीक है कहते हैं ए चाह ये ष्ठी व्यक्ति है यहां पर इसमें क्या है ये ए चाह ये क्या है षठी षी व्यक्ति एक वचना अंत है ठीक है षठी व्यक्ति का व्याकरण में क्या अर्थ होता है के स्थान में क्या के स्थान में किससे आ गया ष्ठी स्थाने योगा से ठीक है ये आपको बाद में पढ़ लेंगे ठीक है तो सा, एचा का अर्थ क्या हुआ स्थान में किसी के स्थान में एच के स्थान में एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं अभी अर्थ बता देंगे आपको ठीक है एच एच के अंतर्गत आ गए आपके ए ओ और आई और औ ये चार वर्ण आ जाते हैं ठीक है थीके? तो कहते हैं ए चाह ए चाह माने ए चाह स्थाने एच के स्थान में क्रमाद क्रमात ठीक है क्रमात् मान क्रम से यहां पर जोड़ दिया आय यहां पर क्रमाद आय ठीक है ये अलग अलग ऐसे क्रमात ऐसे ठीक है क्रमात आया अव आय आव एते माने क्रम से अब वो आया अब आय आव एते माने ये चार सुहु माने होते होवे कब अच्छी अच्छी माने अच अच्छ के परे रहते स्वर के परे रहते अब वो ये अर्थ है सप्तमी यहां पर इसलिए क्या परे रहते तस्मिन निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ठीक है यहां पर थोड़ा सा लिखने में इन्होंने परेशानी कर दी इसको अलग अलग लिखना चाहिए था मुझे भी पढ़ने में परेशानी आ रही है कमी ऐसा लगता क्रमादय तो क्रमादय क्रमाद ये अलग लिखे थे इसको भी अलग लिख दे तो ठीक रहता ठीक है कोई बात नहीं तो क्रम से आ, 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 ये आदेश होते हैं ठीक है अब क्रम से हो जाते हैं इसका मतलब एच में चार वर्ण है और चार ही ये आदेश हैं। तो क्रम से कहा पर, पर सूत्र में तो कहीं कहा नहीं है क्रम से क्रम से होते हैं ये बात कहां से आई ये सूत्र आगे बताएगा आगे अभी आएंगे ये सूत्र अभी पूरा नीचे वाले सूत्र को मिलाकर के अर्थ पूरा होगा तो क्रमा की बात आगे सूत्र आ रहा है उसको उसके अनुसार आ रही है तो क्रम से ये होते मान एक आय हो जाएगा और ओ को अब हो जाएगा आई को आय हो जाएगा अव को आब हो जाएगा कब कोई वाद में अच परे हो तो स्वर परे हो इसमें जो विशेष होगा वो बता दें ठीक है अभी उदाहरण आपका आगे आएगा इसका कहते हैं यहां पर ये बात विशेष ध्यान रखनी है यहां पर ये लिख दिया यहां पर इससे ही समझ में आ जाएगा यदि इसमें एच में ये ए और ओ पद के अंत पद माने जो शब्द रूप होता है या धातु रूप होता है शब्द रूप होता है या धातु रूप होता है वो पद होता है तो उस धातु रूप या शब्द रूप के अंत में यदि ए अथवा ओ ये आई और अन इनकी नहीं कह रहे ए और ओ की बात कह रहे हैं यदि ये होंगे और उसके बाद में स्वर यहां का है स्वर में यदि ह्रस्व आकार होगा क्या ह्रस्व आकार केवल दीर्घ नहीं है आकार तो ए को आया और ओ को अब आदेश नहीं होगा ये क्यों नहीं होगा क्योंकि आगे चल के एक सूत्र बताएंगे आगे चल के एक सूत्र है ए नाह पदांता दत्ती उसको अभी हम बता रहे हैं आपको ठीक है तो इस कारण से यदि शब्द पद के अंत में धातु रूप अथवा शब्द रूप के अंत में ठीक है यदि ए होगा और ओ होगा बाद में यदि स्वर में आ रहा है दूसरे शब्द का पहला अक्षर तो नहीं होगा ठीक है अभी मैं आपको उदाहरण देकर के भी समझा दूंगा पहले इसके ये उदाहरण समझ लेते हैं ठीक है तो सरल है इसमें कोई परेशानी नहीं है अब इसमें ये क्रम से होते हैं इसके लिए महर्षि पांडे ने एक सूत्र बनाया है उसको दिखा रहे हैं या शंका मन में उठती है भाई क्रम से कैसे होते हैं तो क्रम से क्यों कहा तो आचार्य व्रतराज महाराज जी कह रहे हैं महर्षि पांडे ने एक सूत्र बनाया सूत्र संख्या तेईस यथा मनुदेश समान ठीक है प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का दसवा सूत्र है ठीक है कहते हैं इसका अर्थ करते हैं संबंधी विधि यथा संख्यम सम संबंधी सम समसंबंधी का अर्थ है सम संख्या वाली विधि संख्या वाली का अर्थ है कि जितने ही स्थानीय मान जितनी संख्या में स्थानीय है उतनी ही संख्या में आदेशों का विधान किया जा रहा हो तो वो जो विधि है आदेश रूपी विधि है वो क्या है यथा संख्यमन क्रम से होती है पहले को पहला दूसरे को दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को चौथा पांचवा को पांचवा इस प्रकार से ठीक है समझ लिए ये सूत्र बहुत अच्छी प्रकार थे माने किसी सूत्र से यदि जितने स्थानीय उतने ही आदेश कहे जा रहे हैं तो वो क्रम से होंगे पे जो से उस सूत्र में पढ़ा हुआ क्रम से जिस प्रकार से स्थानीय और आदेश माने पहले स्थानीय को पहला आदेश दूसरे को दूसरा इस प्रकार से स्थानीय और आदेश क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा जिसके स्थान पर जिसके स्थान पर कोई वर्ण या कुछ आदेश किया जाता है कोई विधि की जाती है स्थान में तो जिसके स्थान में की जाती है वो होता है स्थानीय अभी सूत्र में समझ जाएंगे स्थानीय और जो उसके स्थान में होता है वो होता है आदेश वो वर्ण हो सकता है वर्ण का समूह भी हो सकता है ठीक है अब आइएगा तो अब इस सूत्र के सहयोग से ही आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहां पर कहा था कि क्रमात क्रमशी क्योंकि इस सूत्र में एचो यवा ये जो एच ये चाही है तो एच के स्थान में तो ए और ओ और आई और ये औ ठीक है ये क्या है स्थानीय इनको ध्यान कर लीजिए कि ये क्या है स्थानीय स्थानीय क्यों है इनके स्थान में हो रहे हैं ये स्थानीय है और ये चार आदेश हैं आया आव आ या आव ये क्या है आदेश अब आप देख रहे होंगे कि स्थानीय और आदेश बराबर संख्या वाले हैं चार, चार, चार। इसलिए इस सूत्र में जिस क्रम से पढ़े हुए हैं स्थानीय और आदेश उसी क्रम से होते चले जाएंगे ए को क्या हो जाएगा आय ओ को अब, आई को आय आव। यदि बाद में कोई स्वर हो तो ठीक है शब्द के अंत में भी हो सकते हैं, शब्द के बीच में भी हो सकते हैं, दोनों जगह हो सकते ध्यान देंगे ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे बताऊंगा अभी और ठीक है अब इसका दोनों सूत्र मिलाकर के अर्थ बन गया तो अब इसका कहते हैं जी इसका एग्जाम्पल दीजिएगा उदाहरण दीजिएगा तो कहते हैं इनकी आवश्यकता कहां पड़ती है तो कहते हैं हाराएष्णावे नाय कहा पावा कहा ठीक है यहां पर ये शब्द यहां पर ऐसा हमारे सामने है ये वैसे चतुर्थी का रूप है हरी शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है अभी आपको सिद्धि नहीं करनी रूप की सिद्धि नहीं करनी आपको अभी जो चतुर्थंत एक वचन का जो रूप बनता है उसमें ये सूत्र जहां काम करता उस सिचुएशन को देखना उस स्थिति को देखना है केवल तो ये क्या होता है हरा ए है ये यहीं पर लिखा हुआ है दिखा देता हूं हरे प्लस ए ठीक है ये क्या है ये वास्तव में ये का ए है चतुर्थी व्यक्ति का प्रत्यय होता है जब आप आगे देखेंगे इसको ठीक है तो हरे ये यहां ये का ये ना चला जाता है ये आगे आप सीखेंगे जब हम आ, रूप की जो हलंत और अजंत आदि जब सिद्धि आगे करेंगे तब ठीक है तो यहाँ पर हरे और ए ऐसी सिचुएशन है ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर क्या है ये जो ए है ध्यान देंगे और आगे अच्छा आ गया स्वर आ गया तो इस ए को क्या कर दिया क्रम से आया कर दिया आया कर दिया तो हरा ए बन गया ए को आया हो गया ठीक है इसी प्रकार से आगे दूसरा उसका उदाहरण है विष्णुवे तो विष्णुवे में क्या है विष्णु के लिए दिखा रहे हैं अर्थ दिखा दिया है विष्णु और ए तो ओ को अब हो गया पर रहते विष्णवे ठीक है ऐसे नायक ये हो गया आपका आगे का आई का नायक तो नायका में क्या है ना, नायका का अर्थ नेता ले जाने वाला ठीक है तो नई प्लस यहां पर ये ध्यान देंगे फिर मैं आपको बीच में सब में संहिता संज्ञा करनी पड़ेगी पहले का संहिता सब करनी पड़ेगी संधि में ठीक है यहां तभी हम लगा पाएंगे सूत्र को तो नई आका यहां आई को स्वर पर जाते होगा तो नायका का बन गया आई को आय हो गया पावा का पवित्र करने वाला अग्नि को कहा गया तो पाऊ प्लस अकाहा तो पऊ को को आब हो गया तो पावा का बन गया ठीक है अब अब आपको मैंने ये बताया था कि यहां जब शब्द के अंत में ये तो क्या है शब्द के बीच में है ये सारे जो उदाहरण दिखाए हैं ये शब्द के बीच के दिखाए हैं पूरा शब्द तो इतना एक है ये पूरा शब्द है तो यहां पर ये अभी जो उदाहरण आपको दिखाए हैं शब्द के आ ये शब्द के बीच के उदाहरण है ये बीच में ए ओ आदि आए हैं अब हमने ये बताया था आपको यदि शब्द के अंत में कहीं ए आ जाए पद के अंत में शब्द रूप के अंत में धातु रूप के अंत में तो जैसे ये मानिएगा ये सेवते से ठीक है आप जानते हैं ये क्या है एक धातु रूप है ये पद है सुप्तगंतम पदम से पद है इसके अंत में ये है अब इसके आगे यदि यहां पर अत्र आ जाए आगे सेवते ते अत्र तो यहां पर ये वाला सूत्र नहीं लगेगा क्यों क्योंकि ये बता दिया कि पद के अंत ए अथवा ओ हो तो यहाँ तो ये बाद में आ हो तो ये वाला नियम नहीं लगता है क्योंकि आगे इसमें सूत्र आएगा वो लगेगा कौन सा लगेगा ए ना पदांत आगे पढ़ेंगे ठीक है इसी प्रकार से आपको ओ का समझ लेना है ओ का जहां उदाहरण मिलेगा वहां ठीक है चलिएगा ये दोनों सूत्र हो गए आपके स्पष्ट एकदम इस सूत्र को विशेष रूप से याद रखिएगा ठीक है पर संहिता हर सूत्र में लगाइएगा जो भी संधि के सूत्र हैं ये बता दिया मैंने बार बार मैं नहीं बताऊंगा ठीक है ना ये बताएंगे अब है आगे आगे का सूत्र है हमारा ये है आपका आदेश विधि सूत्र ये विधि सूत्र है ध्यान देंगे ठीक है ये क्या करता है आदेश करता है ठीक अब और आप दो आदेश करेगा ये अब और अब आदेश करने वाला विधि सूत्र है वो भी विधि सूत्र था ठीक है ये कहता है चौबीसवा सूत्र है वान तो छठ में अध्याय के प्रथम पाद का उन्यासीवा सूत्र है, ठीक है एक अर्थ बताते हैं यकारा दऊ परे ओ दौ तऊ रब आउ स्त कहते यकारादि प्रत्यय यहां प्रत्यय विशेष ले लिया ऐसा प्रत्यय जिसके आदि जिसका आदि वर्ण या है या आदि वाला प्रत्यय उसके परे रहते उसके परे रहते यदि ओकार हो या आउकार हो ये दो वर्ण लिए हैं ठीक है ओ और आउ ये दो ले लिए ठीक है इनको इसको क्या हो जाता है इसको अवादेश हो जाता है और इसको आवादेश हो जाता है किसके यकारादि प्रत्यय के परे थे पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त नहीं था क्यों क्योंकि वह स्वर के परे रहते करता था के परे रहते करता था ना वो यहां यह वर्ण है वो अच में नहीं आता है, अच में नहीं आता है इसलिए अच के परे रहते प्राप्त नहीं था तो यकारादि प्रत्यय पर रहते इसको कर दिया ये आदेश तो कहते हैं उदाहरण दिया है गव्यम नाव्यम ठीक है गव्यम और नाव्यम गव्यम का अर्थ होता है गो आदि का विकार गो आदि का दूध हो गया या गोबर आदि जो भी कुछ है वो सारा कुछ हो जाएगा ठीक है नाव्यम नाव्यम का अर्थ है नाव के द्वारा तैरने योग्य तो जल ठीक है तो यहां पर क्या है गव्यम में ये गो शब्द है ओ और आगे यह प्रत्यय आ रहा है क्या आ रहा है यह प्रत्यय ये किस अर्थ में आता है छोड़िएगा भी तो गो शब्द से यह प्रत्यय आगे आ रहा है ठीक है तो यहां पर ये यकारादि प्रत्यय पर रहते ओ को क्या हो जाएगा अवादेश हो जाएगा इसको क्या हो गया जी गौ हो गया गौ ऐसा गव्य बन गया ये फिर इसका शब्द रूप चला देंगे न में तो गव्यम बन जाएगा ये ठीक है तो बस इस सूत्र का यहां पर यह काम है कि को अव कर दिया। क्या है यत्यय है ये ठीक है तो यहां पर भी ये क्या यकारादि प्रत्यय प्रत्य पर प्रत्य रहते प्रत्य ना आवा हो जाएगा ये इसको ये हट जाएगा तो नाभ्य और शब्द रूप चला देंगे तो नाभ्यम बन जाएगा तो नाभ के द्वारा तैरने योग्य जल को नाभ्यम कहा गया है ठीक है ठीक है तो यहां पर ये इस प्रकार से जहां पर भी ये बहुत लगता है ध्यान देंगे ठीक है अब यहां पर एक वार्तिक पढ़ रहे हैं एक वार्तिक बता रहे हैं ये वार्तिक है अद्व परिमाणे चौ उदाहरण दिया गदी है यह आचार्य वरदराज महाराज ने दिया है कात्यायन का वर्त है अध्व परिमाण छ मार्ग क्या मार्ग मार्ग का परिमाण यह अब आप, आप समझ गए होंगे मार्ग के परिमाण को कहना हो तो तो क्या हो जाता है ओ को क्या ओ अथवा अव को भी यकार के परे रहते प्रत्यय हट गए यहां पर प्रत्यय माने प्रत्यय ना हो यकारादि शब्द हो कोई परे क्या यकारादि शब्द हो कोई तो भी उसको अब और आवादेश हो जाते हैं तो इसका उदाहरण दिया ही यहां पर क्या है गो शब्द है ये और ही शब्द है दो शब्द हैं ठीक है थीके? ये परिमाण को कहता है ये गव्यूति का अर्थ होता है दो कोश अथवा चार मील ये मार्ग की लंबाई का एक पैमाना है जैसे किलोमीटर बोलते हैं मील बोलते हैं ठीक है तो प्राचीन काल में दो कोस अथवा चार मील ये लिखा हुआ है तो गबयुति में क्या गो शब्द है और युति शब्द है अब ये क्या है? या तो है बाद में परंतु ये प्रत्यय का या नहीं है ये प्रत्यय का या नहीं है इसलिए इस सूत्र से भी प्राप्ति नहीं थी इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा कि मन मार्ग की लंबाई को कहना कहना कहा जा रहा हो तो क्या है? तो तो ओ को अब आदेश हो जाता कोई यह परे हो बस केवल शब्द हो चाहे कुछ भी हो तो यहां पर शब्द यह तो वो गव्य गव्य बन जाएगा गव्युति ही बन गया तो गव्युति का अर्थ हो गया दो कोश लंबाई अथवा चार मील लंबाई ये हो गया मैंने आपको विस्तार से दिया ठीक है ये हो गया आपका <coughs> <coughs> चौबीस तेईस चौबीस सूत्र हो गए आपके ठीक है <coughs> अब आपका आ रहा है ये आपकी आय आव आय अब आय वाली जो संधि थी यहां आय अथवा अव आदेश होते हैं और आय आदेश होते हैं वो समाप्त हो गई संधि ठीक है अब आगे दूसरी संधि की भूमिका बना रहे हैं ठीक है थीके? आगे आएगी गुण संधि ठीक है उसके लिए भूमिका बना रहे हैं कि जो गुण है आप ये आचार्य व्रदराज महाराज जी पहले से ही बना बता रहे हैं छात्रों को हम गुण पढ़ेंगे तो गुण का अर्थ क्या होता है क्वालिटी क्या अर्थ होता है क्वालिटी परंतु व्याकरण में क्या गुण का अर्थ क्वालिटी माना जाता है का कुछ विशेष तो कह रहे हैं नहीं व्याकरण में गुण कुछ अलग है इसलिए ये संज्ञा सूत्र का अवतरण कर रहे हैं आप ये हमने पहले ही बता दिया था कि संज्ञा प्रकरण में ही सभी संज्ञा सूत्र हैं ऐसा नहीं है जिस प्रकार से संज्ञा सूत्र संज्ञा प्रकरण में एक दो विधि सूत्र भी आ गए थे वैसे ही आगे भी जहां जहां आगे जहां विधि सूत्रों के लिए संज्ञा नए संज्ञा सूत्रों की आवश्यकता होगी तो उनका भी अवतरण होगा तो ये संज्ञा प्रकरण ना होने पर भी संधि प्रकरण होने पर भी यहां पर ये क्या है संज्ञा सूत्र का अवतरण कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इसकी आवश्यकता है तो कहते हैं पच्चीसवा सूत्र आद प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है ठीक है ये कहते हैं इसका अर्थ करते हैं आता एंग गुण संज्ञात कहते हैं आ और एंग एंग का अर्थ है एंग प्रत्याहार है एंग कौन कौन से बनाते हैं ए और ओ ठीक है तो माने आता एंग इन, आता, आता इन, माने आ और ए, ओ, इनकी ये क्या है गुण इनको गुण कहते हैं ये गुण संज्ञा वाले इनका गुण नाम है हो वे गुण आप गुण नाम वाला हो अच्छा जी यहां पर ये कहा अत ये त तो हट जाएगा क्या बचेगा अ और एंग है एंग का अर्थ आप समझ रहे हैं सीधा ए और ओ ठीक है अब वो आपको एक सूत्र पढ़ाया था हमने संज्ञा प्रकरण में क्या पढ़ाया था अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय क्या पढ़ाया था अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय उसने क्या कहा था उसने ये कहा था ध्यान कर लिए अब तो सूत्र तो पढ़ा दिया कि अणु प्रत्याहारांतर्गत जो वर्ण है वो अपने सवर्णियों के संयक हैं वो संजय हैं। ये जो असंज्ञा ये आ हमने किसकी संज्ञा थी अठारह प्रकार के आकारों की अठारह प्रकार के आकारों की असंज्ञा थी आ नाम रखा था आ कहने से अठारह प्रकार क्या ऐसे ही ए कहने से ध्यान देंगे क्या ऐसे ही ए कहने से बारह प्रकार का ए आ जाएगा तो ए किसकी संज्ञा है बारह प्रकार के एकारों की क्योंकि तो उसका रस नहीं होता ऐसे ही ओ, ओ भी किसकी संज्ञा है बारह प्रकार के ओकारों की दीर्घ प्लुत छीर्घ छुत तो समझाई दिया तो बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको तो क्या यहां पर ये गुण नाम है अठारह प्रकार के आकारों का और बारह बारह प्रकार के एकारों का बारह प्रकार के ओकारों का नाम है क्या यह प्रश्न उपस्थित होता है उसका समाधान आगे करते हैं क्या उसका समाधान करते हैं कि भाई ऐसा है महर्षि पाणिनि ने कुछ नियम बनाए इस ता ये आके पीछे यहां पर त लगाया है क्या लगाया त तो। का कोई विशेष प्रयोजन है त का प्रयोजन क्या है वो आगे के सूत्र से बताएंगे ये त लगाने का बहुत विशेष कारण है यहां पर वस्तुता तो ये जो अ है माने केवल ह्रस्व आकार की ही ह्रस्व आकार की ही गुण संज्ञा होती है मैंने जो छह प्रकार का है छह प्रकार का होता है निर्णुनासिक सामनाचिक उदात्त, स्वरित अनुदात छह प्रकार का हो गया छह प्रकार के हृस्व आकार की ही गुण संज्ञा है दीर्घ की अपलुत की नहीं है पर वो रुकेगी कैसे रुकेगी कैसे ऐसे ही छह प्रकार के एक ही छह प्रकार के ओ की पुलुत्त की नहीं पुलुत है नहीं उनकी नहीं है गुण संज्ञा ठीक है तो कहते हैं आचरण वरदराज महाराज जी कहते हैं महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है आगे आइएगा देख लेते हैं छब्बीसवा सूत्र है तपारत्काल पर प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का सप्तरमा सूत्र ठीक है <coughs> ये संज्ञा सूत्र ध्यान देंगे ये क्या है संज्ञा सूत्र हाँ नियम सूत्र ये संज्ञा ने आ, ये नियम नियम सूत्र नियम करता है ध्यान देंगे सन्या ने एक है नियम ऊपर वाले कहीं पर अव्यवस्था प्राप्त होती है जैसे आज से अठारह कार का ग्रहण हो रहा है ए से बारह प्रकार का उस से बारह प्रकार का तो वहां व्यवस्था बिगड़ रही है तो उसके नियम बनाएगा ये नियम सूत्र है ये कहते हैं तपरस्त कालस्य इसका अर्थ करते हैं यहां पर कि ताहा पारो यस्मात साच्चा तात परश्च उचारियमाना समाकालस चैवा संयास्यात ध्यान दीजिए पर ये अच्छा ब्रेड है ताप परो यस्मात ताप परे है जिससे क्या ध्यान दीजिए यहां पर ये पूरा खोलना पड़ेगा आपको विस्तार से इसको सूत्र को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना ये बार बार लगेगा आगे ठीक है क्या कहते हैं ताहा पारो यस्मात साहा साप ठीक है ये तपरा इसमें जो शब्द है अर्थ -रह। बता रहे हैं तपरा कहा गए तपरे है, है जिससे उसको क्या बोलते हैं तपर बोलते हैं ठीक है तो जैसे यहां पर ये अत है अत आ से परे है आ के बाद में तो ये आ कैसा हो गया तपर हो गया आ क्या हो गया तपर तपर ये और क्या कहते हैं ता। और तात तपर और तात ताते ये तकार का ये तका पंचमी का रूप बना दिया माने ता से परे है जो से परे जो है उसको भी तपर बोलते हैं अब इस सूत्र में यहां पर ये क्या था ये आ, ये था अदेन ऐसा था जी ये तो यहां पर ये था आ ता प्लस एंग ठीक है तो कहते है, ये आ तो तपर है ही पर इस से परे जो है वो भी तपर होता है तो इसका मतलब हुआ ये जो एंग हो गया एंग ये भी तपर हो गया त परे है जिससे वह वर्ण भी तपर होता है और से परे है माने बाद में वो भी वर्ण तपर होता है इसका मतलब त परे है अ से वो भी अभी तपर हो गया और एंग है एंग वर्ण माने ए वो भी तपर हो गया थीके? तपर अब तपर जो होता है उसका लाभ क्या है तो कहते हैं तपरस तपर वाला तपर वाला जो वर्ण है उच्चार्य मान, माने मन उच्चा, उच्चारण किया जाता हुआ तम एवा माने अपने काल वाले माने अपना जो काल है जिस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं उसी काल वाले वर्ण का की क्या होती है संज्ञा होती है ध्यान दें यहां पर ये अ है ध्यान दीजिए ये क्या है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से ये अ क्या था अठारह अकारों की संज्ञा बन रही थी परंतु इस सूत्र ने नियम कर दिया कि भाई यदि इसके पीछे त लगा देंगे कहीं महर्षि पाणनी अपने सूत्र में तो ये ये जो अ है ये केवल और केवल अपने काल वाले का ही ग्रहण कर लिया इसका काल क्या है एकमात्रिक क्या एक है ये एकमात्र इसका काल है तो एकमात्रिक वर्ण है अब जो एक मात्रिक वर्ण को क्या बोलते, है? उकालो, जरस्व, बोलते हैं तो ह्रस्व कि एकमात्र ये जो है अब दीर्घ माने इसी का भाई दीर्घ भी है द्विमात्रिक और प्लुत भी है त्रिमात्रिक उनका उनकी संज्ञा नहीं होगा उनकी संज्ञा ये नहीं होगा ये जो आकार हैं ये केवल क्योंकि गत्ता इसके पीछे लगा दिया इसलिए ये अपने काल अपने माने हरस्व अकारों का ही की का ही बोध कराएगा उन्हीं का नाम है तो हरस्व में आते उदात्त अनुदात्त स्वरित और सानुनाशिक निरुनाशिक तो ये अब ये त लगने के कारण से ये किसके कित, कितने वर्णों की संज्ञा है छ की अच्छा जी अब कहा दूसरा इसमें ये भी है तात तात्परह तसे परे एंग भी तपर है ये भी तपर माना जाएगा ठीक है ये तपर माने इसमें समास हुआ है तपरा और तपरा एक बोबरी हो गया और एक पंचमी तत्पुरुष तत्पुरुष समास हो गया ठीक है तो अब यहां पर एंग एंग में ए और वो है ये भी तपर हो गए ये भी हम इसको लिखने की दृष्टि से ऐसा लिख सकते हैं समझाने के लिए कि इसको भी कैसा हो गया ये एत, ये भी तपर हो गया ये तपर हो गया ये भी इसलिए अब ये भी तत्काल से माने अपने ही वर्ण वाले माने इसके काल वाले माने दीर्घ द्विमात्रिक है तो द्विमात्रिक ही उदात्त अनुदात्त स्वरित और निर्णनाशिक सामनाशिक उनका ही नाम है ये उनकी संज्ञाएं ऐसा ही होगा छह का ही ग्रहण होगा बारह का ग्रहण नहीं होगा और इससे अठारह का नहीं होगा बस ऐसी प्रकार से कोई भी स्वर जिसके पीछे महर्षि पाणिनि त लगा देते हैं ठीक है तो वो अपने काल वाले माने उसका जितना उच्चरण काल है उतने ही काल में उच्चरित होने वाला अपना सवर्ण भाई दूसरा नहीं अपना ही जो सवर्ण भाई उसका उसकी संज्ञा होती है ठीक है तो अब इसका मतलब क्या हुआ इस सूत्र नियम से यहां पर जो अव्यवस्था बन रही थी उसने व्यवस्थित कर दिया कि ये अत, -अत का अर्थ और छह प्रकार का आ जाएगा इसमें ठीक है और ये एक अर्थ है दीर्घ ए ये भी छह प्रकार की आ जाएगी और है दीर्घ ओन का रस्व होता ही नहीं है तो ये भी छह प्रकार का आ जाएगा इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है व्याकरण में कहीं पर भी कहेंगे गुण व्याकरण में कुछ स्थानों को कुछ स्थलों को छोड़ करके अधिकतर गुण गुण यहां पर महर्षि पांडि कहेंगे तो हमें क्या समझना चाहिए अ ए ओ। इनका नाम क्या है गुण ठीक है यह सूत्र आपका स्पष्ट हो गया चलिएगा अब आता है हमारा अब गुण हमने जान लिया तो अब गुण संधि का सूत्र पढ़ाएंगे ठीक है आइएगा सूत्र संख्या सत्ताईस आद गुण छठ में अध्याय के प्रथम पाद का सतासीवा सूत्र है अर्थ करते हैं अवर्णादची परे पूर्व पर को गुणादेश कहते हैं यहां पर यहां ध्यान दीजिएगा ये जो आत है ये क्या है पंचमी व्यक्ति एक वचन का रूप है जैसे राम का रामात बनता है श्याम का श्यामात् बनता है वैसे ही आ का क्या बनता है आत ठीक है आ का क्या बनता है ये यहां पर त परे नहीं है ये आप कहें कि अभी जो त ता ता नहीं है ये तो पंचमी का रूप है पंचमी के रूप में रामात्ता आता है वो वो वाला लगता है ये ठीक है तो कहते हैं यहां पर तो ये जो वर्ण है ध्यान देंगे ये तो जो आत पंच हृस्वकार का हमने रूप चला दिया आत् तो यहां पर तो क्या है अवर्ण अठारह का ग्रहण है ठीक है यहां पर अठारह का बोध होगा तो कहते अवर्णात माने अवर्ण के जो अठारह वर्ण हैं उनसे अच्छी परे और बाद में परे हो अवर्ण का कोई वर्ण है और उसके बाद में कोई परे है स्वर तो अच में वास्तव में यहां व्यवस्थित तो हो जाएगा कुछ आगे कट जाएगा ठीक है तो तो कहते हैं कि अवर्ण के बाद में यदि ई ई मान ई वर्ण अथवा ऊ वर्ण अथवा वर्ण अथवा वर्ण बस इतने ही आएंगे माने अच में सभी अचम नहीं आएंगे वास्तव में अच कहा है पर अच में ए, उ रिली इतने ही वर्ण आएंगे तो अच माने इनके परे रहते पूर्व परयो हो पूर्व माने पूर्व का अर्थ है जो अवर्ण का वर्ण है अवर्ण का जो अक्षर है और पर का अर्थ है अच में जो भी कोई परे है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में ये षष्ठी है दोनों के स्थान में एक माने एक गुण हाँ आदेश माने गुण संयक वर्ण आदेश हो जाएगा क्या हो जावे हो जाना चाहिए अथवा होता है सभी अर्थ निकल आएंगे ठीक है तो यह हो गया अब अब इसका प्रकरण लंबा चलेगा ठीक है ये आज की कक्षा में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसमें आगे सूत्र हैं वो मेरे को समझाने पड़ेंगे ठीक है ये बहुत बड़ी कक्षा हो जाएगी डेढ़ घंटे की तो आज यही छोड़ेंगे ठीक है इस इसका अर्थ आपको अब अच्छी प्रकार से ध्यान कर लेना है माने अवर्णात अच्छी परे पूर्व परयो एक को गुणा आदेश माने पूर्व पर के स्थान में क्या हो ये होता है गुण हो जाएगा गुण हमने ही लिया आ और ए और ओ इनका नाम गुण है ये हो जाएगा ठीक है उदाहरण दे रहे उपेंद्र हा गंगोदकम ठीक चलिएगा तो आगे कक्षा में करेंगे ठीक है चलिए तो चलिएगा इतना हो गया काफी हो गया ये गुण संध्या गुण, गुण संधि का सूत्र है ठीक है सर्वेभ्यो नमः